तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते हो। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 इकोनॉमिक्स के आखिरी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम वो लियोनार्डो द विंची के पर्व होते। देखो अपना स्कूल लाइफ यार सेट था, पार्टी के नाम पे अपने को चाहिए होता था बिरयानी और मीठे के नाम पे जलेबी, तीखे के नाम पे पानी पूरी। लाइफ सेट था, बट जैसे ही पहुंचा कॉलेज, भाई साहब जो कॉलेज के कूल लौंडे होते हैं ना, इन्हें देख के अब भाई को भी बनना था कूल लौंडा। और इसी चक्कर में ऐसे ऐसे चीज़ें किया, क्या बताए, जो इंसान बुद्ध बाजार से खरीद के 350 वाले कपड़े पहनता था, उसने यार ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और खाने के नाम पे अब चाहिए उसे पिज्ज़ा बर्गर। देख रहे हो बदलाव, देख रहे हो लौंडे के अंदर में। तो अगर तुम सोच रहे हो अब कि इस लौंडे के अंदर में इतना बदलाव आया कैसे, तो ये सारी चीज़ें हुआ है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ना होता ग्लोबलाइजेशन तो आज ये लौंडा समोसे चाट पे खुश रहता, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बाहर के कंपनीज इंडिया में आके पिज्ज़ा बर्गर बेच रहे हैं, और इन्हीं कंपनीज को हम कहते हैं MNCs। तो यार यही शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक। MNCs तो हम पढ़ेंगे आगे, बट MNCs या ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारा कंट्री कैसा था वो जान लेते हैं। अब बिल्कुल मेरी तरह इंडिया का भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमें जो भी चीज़ें बनाना होता था हम देश के अंदर ही बनाते थे, बाहर के कंट्रीज से रिलेशन के नाम पे बस हम ट्रेड करते थे। ट्रेड भी किस चीज़ का, हम उन्हें देते थे कच्चा सामान, और जो सामान हमारे कंट्री पे नहीं बनता था वो सामान बाहर से हम मंगाते थे। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे लाता है ये MNCs। अब ये MNCs है क्या, जिसने लोगों की ज़िंदगी पे इतना बसर मचा के रखा हुआ है, देखते हैं। MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसे कंपनीज जो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, ये जाके अपना फैक्ट्रीज कहीं भी खोल देंगे। इन्हें बस दो चीज़ से मतलब है, वहाँ चीज़ें सस्ता होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बस दो चीज़ें होना है, प्रॉफिट और चीज़ें सस्ता, भाई बक के चले जाएंगे और वही खोल देंगे अपना फैक्ट्रीज। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अब जैसे बात करते हैं आईफोन का, है तो ये अमेरिकन कंपनी, बट ये भग के जाते हैं चाइना पे अपने चीज़ों को बनवाने के लिए। क्यों, वहाँ पे चीज़ें सस्ते पड़ते हैं, तो आईफोन का जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है चाइना पे, और फिर ये आते हैं इंडिया वियतनाम मैक्सिको जैसे कंट्रीज पे चीज़ों को असेंबलिंग करने, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है तो उन्हें मिलेगा प्रॉफिट, तो यहाँ आके असेंबलिंग करके बेच देते सामान। मतलब यार इन सिंपल एंड शॉर्ट में बताओ तो MNCs यार हमारे टिपिकल इंडियन मम्मीज की तरह होती है, भाई साहब जहाँ सस्ता दिखेगा ना वही दौड़ देंगे। बस मुझे याद एक बार सब्जी लेने गया था, वो दिन और आज का दिन, भाई साहब मुझे और कभी नहीं जाना मम्मी के साथ मार्केट। जो बेइज्जती होता है ना भाई साहब, हम तो सीधे साधे लौंडे, जितना पैसा मांगते दे देते हैं, बट नहीं मेरी मम्मी World War III शुरू कर देगी ऐसा कुछ है सब्जी वालों के साथ, भाई साहब समझ रहे हो। मतलब भाई साहब ये जो टीवी में कहते हैं ना World War III होगा इसके वजह से उसके वजह से, नहीं यार World War III होगा सब्जी के दाम के वजह से। खैर यार अब इस पॉइंट पे आके तुम MNCs क्या होता वो तो जान गए, अब सवाल ही उठता है कि MNCs तुम्हारे कंट्री पे आके फैक्ट्रीज अपना कब लगवाएगा। तो देखो जब तुम्हारे कंट्री पे मिलेगा चीप लेबर, और दूसरा और यार फैक्ट्रीज मार्केट के पास हो, ऐसा नहीं कि भाई साहब गवर्नमेंट कह दे कि भाई साहब वो हिमालय पर्वत में काफ़ी जगह खाली भरा हुआ है जाके वही खोल लीजिए अपना फैक्ट्री, यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं होता भाई। फिर तीसरा चीज़, जब भी MNCs इंडिया में आए तो उन्हें गवर्नमेंट बहुत ही प्यार से दुलारे से, भाई साहब आइए यहाँ फैक्ट्रीज खोलिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा हम देंगे, ऐसा पॉलिसीज लाना पड़ेगा, तब MNCs हमारे कंट्रीज पे आएगा। अब यहाँ तक आ गया है गुड, अब आगे बस हमें दो चीज़ जानना है, और ये चैप्टर 2 मिनट की मैगी की तरह खत्म। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, शुरुआत करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। देखो जब फॉरेन कंपनीज यानी कि मैं बात कर रहा हूँ MNCs का, इंडिया में आके अपना फैक्ट्रीज लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग पे अपना ऑफिसेज बनाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही जो इन्वेस्टमेंट MNCs के द्वारा करा जा रहा है इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इतना क्लियर है। अब देखो MNCs इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 तरीके से, और यही 3 तरीके को हमारे CBSE वाले चचा तुम्हें घुमा के इस तरीके से दे देंगे कि तुम हो जाओगे कन्फ्यूजन। ये 4 क्वेश्चन
जिसका जवाब एक ही हो सकता है। वो जवाब क्या है देखते हैं। पहला तरीका MNCs के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का, हमारे लोकल कंपनीज के साथ MNCs पार्टनरशिप कर लेंगे, जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। देखो इससे ना MNCs को तो फायदा होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे जो लोकल कंपनीज है इन्हें भी फायदा होता है। इन्हें मिलता है बहुत ज़्यादा पैसा और साथ ही साथ मिलता है इन्हें नए टेक्नोलॉजीज। और दूसरा तरीका MNCs क्या करते हैं, सीधा जो इंडिया में बैठे हुए लोकल कंपनी से उन्हें खरीद लेते हैं। अब मैं एग्जांपल का बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट है तो वैसे एक इंडियन कंपनी, बट 2018 को US का एक बहुत ही बड़ा जायंट कंपनी आता है जिसका नाम है वॉलमार्ट। ये फ्लिपकार्ट को खरीद लेता है 16 बिलियन में और फ्लिपकार्ट के अंदर में 82% का मालिक बन जाता है। मतलब तुम अब कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं अब वॉलमार्ट का ही है। और तीसरा तरीका MNCs क्या करते हैं, जो छोटे छोटे लोकल कंपनी से ना इन्हें ऑर्डर देते हैं कि भाई तू हमारे लिए चीज़ों को बना। और जब ये सामान लोकल कंपनीज बनाते हैं तो उन सामानों पे अपना ब्रांड का थप्पा डाल के ये यार बिकवा देते हैं मार्केट पे। बेफिजुल में भागते हुए रेस के घोड़े, अब हम समझते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हम उनसे कुछ मंगा रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इम्पोर्ट, और हम उन्हें कुछ बेच रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोर्ट। यही तो होता है फॉरेन ट्रेड, जो कि हमने ज्योग्राफी के चैप्टर पे देख भी लिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना है फॉरेन ट्रेड का क्या एडवांटेजेस होता है। और यही जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे CBSE वाले घुमा के दे देगा कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट का इंटीग्रेशन या फिर इंटरकनेक्शन कैसे होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। देखो जब होता है फॉरेन ट्रेड यानी कि जब हम फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जाने ही अनजाने में हमने अपना मार्केट को उनके मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी चीज़ को कहता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। समझ गए? अब देखो उसे क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं। जब होता है फॉरेन ट्रेड, इससे हमारे डोमेस्टिक कंपनीज़ को या फिर तुम कह लो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक मौका मिलता है कि हमारा जो सामान है जो हम आज कंट्री में बेच रहे हैं, अब हम जाके दुनिया भर के कंट्रीज में बेचेंगे। दूसरा बात, जो हमारा कंज्यूमर होता है इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है फॉरेन ट्रेड से। इसके पास इतने चॉइसेस आते हैं जो पहले नहीं थे। तुम सोच के देखो बस, आज अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में जो ये चाइनीज़ फ़ोन है ना, ये भी नहीं होता। बट यार वो दिन भी आने वाले जब सच में चाइनीज़ फ़ोन इंडिया मार्केट से चले जाएंगे। आई होप सो ऐसा ही हो। और जो तीसरा चीज़ है, जब होता है फॉरेन ट्रेड, इसमें दो कंट्रीज, हमारा कंट्री और बाहर के कंट्रीज में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। देखो मैंने यह वर्ड का इस्तेमाल किया हेल्दी कंपटीशन, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपटीशन की वजह से हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बट जब हेल्दी कंपटीशन होता है ना, तब दोनों ही कंट्रीज को फायदा होता है। अब तुमने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। अब ये दोनों से ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकट्ठा मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, और तुम सादा भाषा में कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन। वैसे ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, तुम ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बहुत ही जल्दी रैपिड इंटीग्रेशन या फिर रैपिड इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच। और ग्लोबलाइजेशन होता है किसके वजह से, MNCs के वजह से। अगर ना होता MNCs तो ना होता ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमारे लिए काम का चीज़ है यहाँ वो है, क्या वो फैक्टर्स है जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, हमने कुछ इस तरीके के कंटेनर्स बनाए, रिफ्रिजरेटर ट्रक्स बनाए जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लो USA का पोर्क, यानी कि तुम सुअर का मीट समझते हो, हाँ, तो USA का पोर्क मीट इंडिया में सेल होता है आके नॉर्थ ईस्ट पे। लिटरली एक कच्चा मीट इतना दूर से इंडिया में आके सेल हो रहा है, कैसे? ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट्स इट। दूसरा चीज, हमने अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। हमने टेलीकॉम सेक्टर पे जियो, एयरटेल और TV है, कंप्यूटर है हमारे पास, फ़ोन है, इन सब चीज़ों ने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी प्रमोट किया है। और आखिरी चीज़, हमारा गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन ट्रेड को। क्या 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 लिबरलाइज ये क्या होता है, क्या तुमने कभी सुना नहीं? सही में ये तो प्रॉब्लम है। फिर सुनो, 2 मिनट लूंगा इसके लिए। तो देखो, लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा गवर्नमेंट जितने भी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है इन्हें हटा देता है।
अब तुम सोच रहे हो कि ये ट्रेड बैरियर क्या है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है क्या। देखो जब हमारा गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंपनीज से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि देखो इस समय इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है चाइनीज कंपनीज के साथ, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है फॉरेन कंपनीज का बिजनेसेस को रोकने के लिए कुछ इस तरीके से पॉलिसीज बना सकता है जिससे कि वो कंपनीज इंडिया के अंदर में बिजनेसेस ना कर पाए। और ये जो पॉलिसी बना रहा है गवर्नमेंट, इसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब इसके अंदर में होता क्या है, बेसिकली जो भी सामान बाहर से आ रहा है उन सामानों के ऊपर हम इतना टैक्स लगाते हैं कि वो सामान इंडिया में बिकने लायक रहता ही नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस या ट्रेड बैरियर्स है, इसे जब हटा दिया जाता है ना, तब हम उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब हमें लिबरलाइजेशन तो नहीं जानना है सिर्फ, हमें जानना है कि लिबरलाइजेशन और इंडिया का हिस्ट्री क्या रहा है। तो देखो आज़ादी के बाद हमने ना चाहते हुए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर्स या फिर कह लो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाया, क्योंकि उस समय हमारा ये मजबूरी था। हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो फॉरेन कंपटीशन को झेल नहीं पाते। वो एक ऐसा दौर था 1950 से 60s का एरा, जहाँ नए नए इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर में बस बन ही रहे थे। अब अगर यहीं पे आके फॉरेन कंपनीज इन्हें टक्कर देने लगे तो ये कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट ने ना चाहते हुए भी फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं दिया। हमने बस जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, उन चीज़ों को बाहर से मंगवाया, जैसे कि मशीनरीज, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर्स। ये इंडिया के अंदर में नहीं बनता था तो हमने वो बाहर से मंगाना शुरू किया। बट इन 1991 के बाद चीज़ें बदलने वाले थे। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई साहब और कितना प्रोटेक्ट करेंगे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, अब समय आ चुका है कि हमें बाहर की कंपनीज़ को भी इंडियन मार्केट पर जगह देना ही पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन है इसी को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, समझ गए। जब हमने बाहर के कंपनीज को भी बुलाया कि भाई साहब आइए हमारे यहाँ कीजिए व्यापार। बट देखो ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है ना इंडिया के दिमाग पे, इसे भरा है WTO ने। जब तक हमने लिबरलाइजेशन का पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया, WTO चिल्लाते रह गया कि भाई साहब अपने कंट्री को तुम कब करोगे लिबरलाइज, कब करोगे। दिन रात भाई साहब एक ही सवाल, जैसे यार हमारे साथ होता है ना बोर्ड एग्जाम के समय पे, यार फोन चला लो, मम्मी कहेगी बेटा पढ़ ले साल बोर्ड से तेरा। दोस्तों से बात करोगे वही बात, बेटा पढ़ ले साल बोर्ड आने वाले। टीवी देख लो सेम बात, पढ़ ले साल बेटा बोर्ड आने वाले। यहाँ तक तो ठीक था, पढ़ने के बाद जो तुम ब्रेक लोगे ना, यहाँ भी कहने लगेगा बेटा पढ़ ले साल बोर्ड आने वाले। भाई साहब कोई इन्हें समझाओ कि स्टडी ब्रेक क्या होता है। नहीं मतलब कभी सुना है तुमने ये बात, 2 घंटे से पढ़ रहा था रूम के अंदर, 2 मिनट के लिए बाहर आया और तुमने वही शुरू कर दिया जिसे तुम पूरे साल भर से सुना रहे हो। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि बोर्ड्स आने वाले हैं इस साल, बोर्ड्स है हाँ पता है हमें। खैर छोड़ो यार ये सब, बढ़ते टॉपिक की ओर। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि ये जो लिबरलाइजेशन का आइडिया है, ये WTO चिल्ला के हम पे पहुंचा रहा था कि भाई साहब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लो। हमने कर लिया। तो अगर एग्जाम पे WTO के बारे में कुछ लिखने आ जाए ना, तो ये 3 पॉइंट लिख के आना कि WTO जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिंदगी में एक ही मकसद है। ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि लोगों को चिल्ला के ये कह पाए कि बेटा पढ़ ले इस साल बोर्ड्स आने वाले हैं। मतलब ये नहीं मतलब बेटा जितना हो सके इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर ले। और ये लिबरलाइजेशन करने के लिए WTO ने कुछ नियम कानून बना के रखा हुआ है कि भाई साहब अगर तुम्हें लिबरलाइज करना है तो तुम्हें ये चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। और इस समय करेंटली WTO के अंदर में 164 मेंबर कंट्रीज है। यहाँ तक ठीक था, बट क्या तुम्हें पता है हम लोग का जो ये WTO है ये बहुत ही बड़ा एक हिपोक्रेट है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो ये हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो बहुत कहता है कि बेटा लिबरलाइज कर ले अपने इकोनॉमी को, जितना हो सके बाहर के कंपनीज़ को अपने कंट्री पे ट्रेड करने दे। बट ये कभी डेवलप कंट्रीज़ को ये नहीं कहता कि बेटा ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने कंट्री पे ट्रेड करने दे। देख रहे हो इतना हिपोक्रेसी। अब बहुत हो गया भाई, अब थोड़ा रिवाइंड चलते हैं। कहाँ हम पढ़ रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके अंदर में हम घुस गए लिबरलाइजेशन के ऊपर, फिर उसी लिबरलाइजेशन के अंदर में हमने WTO को भी देखा।
बट अभी समय है कि वापस चले ग्लोबलाइजेशन की ओर। देखो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया के अंदर में, ये देखते हैं। जहाँ हमें देखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेज से याद आया, एडवांटेज लेना तो मेरे दोस्तों से कोई सीखे। देखो ट्यूशन पे एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी भाई, बहुत, जिसे मैं बस कुछ दिनों से तार ही रहा था। मेरा दोस्त आता है मेरे पास और कहता है कि ये कौन है यार, तो मैं बताता हूँ इसका नाम है ज्योति। ये कौन से स्कूल में पढ़ती है? अरे ये हमारे स्कूल में तो पढ़ती है, नई नई आई है, सेक्शन डी। हाँ अबे तेरे पास इसका व्हाट्सअप नंबर है क्या? अबे नहीं यार वो व्हाट्सअप नहीं करती, ऐसे वैसे लड़की नहीं है। हाँ उसका फेसबुक आईडी है मेरे पास, तो तू ऐसा कर, तो तू ऐसा कर ये मुझे दे दे। अब यहीं पे तुम्हारे भाई ने किया गलती, फेसबुक आईडी दे दिया और दो हफ्ते बाद पता चलता है कि उस लड़की को सारे ने पटा लिया। अब ये दुख की बात नहीं है, ये तो ओके है भाई, स्केल है भाई साहब, पटा लिया क्या बात करें। दुख की बात ये है कि उस लौंडिया को 6 महीने से हम बस तार रहे थे और अपने अंदर भी बस मोटिवेशन ला रहे थे कि भाई साहब एक बार बात कर लेंगे, एक बार बात कर लेंगे, बस हम बस तारते रह गए। क्या बताया, अब इन्हें छोड़ते हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इन इंडिया। तो देखो जैसे मेरा दोस्त यार माहिर था एडवांटेजेस उठाने में दूसरों से, स्पेशली मेरे जैसे बुद्धू लड़के से, तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया यहाँ पे कंज्यूमर्स ने, MNCs ने और इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज थे इन्होंने। और जिन लोगों को ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज होता है, बिल्कुल मेरे ही तरह जिसका कट गया था भाई साहब, तो यहाँ में ग्लोबलाइजेशन से कटता है जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर या कंपनीज है उनका। देखो वर्कर्स के साथ तो भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क, इसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी भाई, समझ रहे हो बात। अगर तुम्हें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखने कहा जाए तो तुम अलग अलग लिखना, बट अगर तुम्हें कहा जाए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर, तब यार तुम क्या करना, इस डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस को कंबाइन करके बनाना 5 पॉइंट जो कि मैं तुम्हें यहाँ लिखा रहा हूँ। और अगर सेपरेटली कहा जाए तो इन्हें सेपरेट कर देना, बन जाएगा। देखो पहले बात करते हैं 3 एडवांटेजेस का। कंज्यूमर्स, इनके साथ तो बहुत ही फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनके पास इतना चॉइस आता है मार्केट पे कि सामान खरीदने जाते एक और कंफ्यूज हो जाते कि भाई कौन सा खरीदी, ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, ले तो ले कौन सा, मतलब भाई साहब चॉइस बहुत ज़्यादा है इनके पास। साथ ही साथ क्योंकि इतना इंटरनेशनल कंपटीशन है तो इन्हें चीज़ें सस्ता भी मिलता है, देख रहे हो यार डबल बेनिफिट है यार, एक तो चॉइस बहुत बढ़ गया इनका और दूसरा चीज़ें यार सस्ते है। फिर बात करते हैं MNCs। देखो MNCs ने जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर में, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, इतना पॉपुलेशन है, तुम कोई भी सामान इंडिया के अंदर में बनाओ और बेचो तुम्हें फ़ायदा ही होगा, मतलब लॉसेस का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, इतना पॉपुलेशन है, तुम बस बनाओ कहीं ना कहीं ये बिके जाएगा। तो यह MNCs के लिए तो फ़ायदा था ही था। साथ ही साथ जो इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये वो कंपनीज थे जिसने ग्लोबलाइजेशन से इतना फ़ायदा उठाया कि ये खुद ही MNCs बन गए। अब तुम्हें ये कंपनी सिर्फ इंडिया पे नहीं मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, साउथ एशिया, हर एक कंट्री पे तुम्हें ये कंपनीज दिखेंगे, क्योंकि अब ये बन चुके हैं MNCs ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बट जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन से सबको फ़ायदा तो हुआ नहीं है, जो स्मॉल बिजनेसेस है ये यार ग्लोबलाइजेशन से जो एक टफ कंपटीशन होता है ये नहीं झेल पाए और अनफॉर्चुनेटली इन्हें अपना बिजनेसेस को बंद करना पड़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन कंपनीज और जो ये बड़े बड़े कंपनीज इतना टफ कंपटीशन दे रहे थे कि ये छोटे कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाए मार्केट पे। और उसके बाद जो हमारा वर्कर्स का कंडीशन है ये तो बदतर था भाई, बहुत ही गंदा, ना था इनके पास जॉब सिक्योरिटी, घंटों तक काम करवाया जाता था और सैलरी बहुत ही कम। ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रहा था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो MNCs और जो बड़े बड़े इंडियन कंपनीज को लेबर लॉस पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया था। अब तुम पूछोगे ये लेबर लॉस क्या होता है, गुड क्वेश्चन, अबे यार मुझे भी पता नहीं ये क्या होता है फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, क्या होता है बे, रुको यार गूगल करके बताता हूँ, एक मिनट।
अब मिल गया मुझे। अब देखो देखो क्या होता है, जब गवर्नमेंट MNCs या बड़े बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन्हें इंडिया पे अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई साहब आप ना इंडिया पे आके इन्वेस्टमेंट करो, आप ना इंडिया पे आके अपना फैक्ट्रीज खोलो, हम आपको आप जो मांगोगे वो देंगे। और इसी चक्कर पे गवर्नमेंट ने खोला स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये क्या है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे जगह को चुना जहाँ तुम्हें मिलेगा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, चाहे तुम बात करो इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे तुम बात करो वाटर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। अब यहाँ जो बड़े बड़े MNCs या जो इंडियन कंपनीज भी है वो अगर आके यहाँ फैक्ट्रीज खोलते हैं तो उन्हें 5 साल तक कोई टैक्स देना नहीं है। देख रहे हो, टैक्स तक नहीं ले रहे कि आके फैक्ट्रीज खोलो। और साथ ही साथ इन एरियाज में लेबर लॉस को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, यानी कि इन एरियाज में जब फैक्ट्रीज खुलेगा वहाँ में जो लोग काम करेंगे ना उनका जॉब रेगुलर होगा नहीं होगा इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई सवाल नहीं उठाएगा, और ना ही उनका वर्किंग आवर्स फिक्स होगा। अगर इन कंपनीज को लाएगी इन्हें 20 घंटा 24 घंटा काम कराना चाहिए तो हम कराएंगे, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कह सकते, और हमें जितना प्राइजेस देना होगा हम उसके हिसाब से देंगे, यहाँ गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलेगा। तो इसी सीन को कहते हैं फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, जहाँ जो लेबर को लेके जो कानून बने हुए ना उन चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है, यह कंपनीज अपने हिसाब से चलते हैं इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। अब इससे देखो फायदा भी है, जो हमने ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया है ना, जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर की जितने भी कंपनीज है उन्हें कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है इंडिया पे आओ, इंडिया पे आके प्रोडक्शन करो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, बस तुम्हें एक चीज़ करना है जो भी बनाना है हमारे कंट्री पे आके बनाओ। तो देखो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, तुम यार डायरेक्टली इसे डिस्करेज भी नहीं कर सकते, बट जो लेबर्स के साथ जो गलत चीज़ हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो यार देखो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए कि ना कंपनीज को लॉसेस हो ना इन लोगों को और जो छोटे छोटे कंपनीज है इन्हें भी प्रॉब्लम झेलना पड़े, गवर्नमेंट कुछ इस तरीके का स्टेप ले सकता है कि यार जो भी हो रहा है वो सही हो और यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन हो, जहाँ पे क्या होगा विन विन सिचुएशन होगा। देखो कैसे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके से लेबर लॉस को बनाए कि ये लेबर लॉस लेबर के लिए बने हुए हो, ना कि इन लेबर लॉस को इस तरीके से फ्लेक्सिबल कर दिया जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करे और जो भी लेबर लॉस बनाया गया है उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, पहला चीज़ जहाँ हम लेबर के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा चीज़, जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए हमें ट्रेड बैरियर्स को लगाना जरूरी है, क्योंकि छोटे कंपनीज को अगर बचाना है तो बड़े बड़े जो फॉरेन कंपनीज है इन्हें रोकना पड़ेगा एक हद तक। और आखिरी चीज़, हमारा गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये जो WTO के अंदर में डेवलप कंट्रीज मनमानी करके अपने हिसाब से इसे चला रहे हैं, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ मिलके लड़ सकते हैं डेवलप कंट्रीज के खिलाफ कि देखो WTO के अंदर में चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो दोनों का ही बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अगर तुम हमारे कंट्री पे आकर ट्रेड करते हो तो हमें भी बराबर का अपॉर्चुनिटी दो तुम्हारे कंट्री में जाकर ट्रेड करने का, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि तुम तो हमारा फ़ायदा उठाओगे बट हम तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, जिससे कि यार लॉस तो अल्टीमेटली हमें ही होगा। तो यही बात था यार इस चैप्टर पे, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने, कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रह गया है। तुम अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आई गेस तुम्हारा 90% टॉपिक और डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अरे रुको जरा, सबर करो। तो अगर तुम लोग में से कोई सेमलेवर बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो यार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय करना, इससे देखो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट तुम इनडायरेक्टली से अपने भाई को फाइनेंशियली कुछ मदद कर सकोगे। दैट्स इट आई थिंक, यही बात था भाई, बाकी भाई तुम लोगों से इतना ही कहना है। Thank you, love you all.